देखिए क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो ये जो सॉल्यूशन आता है मार्केट में टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से, तो ये सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? द सॉल्यूशन इज मेड ऑफ, देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन तो एक समझ में आ रहा है कि हाँ भाई आयोडीन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको थोड़ा सा भी देख के आराम से पता चल जाएगा, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इन वाटर, आयोडीन इन वैसलीन, आयोडीन इन अल्कोहल। तो इनमें से आप किस पे टिक लगाओगे? आयोडीन इन अल्कोहल। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए बेसिक सा क्वेश्चन है बिकॉज आपको पता है अल्कोहल में क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीसेप्टिक मीन्स आप समझ लो कि जैसे कि मान लीजिए कहीं पर चोट लग गई है ना, अब वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, आयोडीन इन एल्कोहल, मतलब आयोडीन को एल्कोहल मिला के सोल्यूशन बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको वन मार्कर एग्जाम में लिखने के लिए भी आ सकता है कि भाई टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है। तो जवाब है टिंचर ऑफ आयोडीन एक तरीके का एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाला सोल्यूशन होता है। और ये सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है? तो जवाब है एल्कोहल में आयोडीन को डिजॉल्व करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इस पर आप टिक कर लीजिए।